मज़ा आ जा रहे शानदार मजे आता है हाथ ही रियलिटी आ जाती है आपको कि ये लो भाई <laughs> बाकी आफ्टर ऑल की अगर बात की जाए भाई कौन सी एज में चालू किया था सफ़र तीजे वाला भाई uh, मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में था पहली बार इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुना बस हुँ. उस दिन से चालू हो गया बट मुझे तो कोई डेट याद ही नहीं भाई चालू कब किया बट जहाँ तक तो मुझे याद है टेंथ स्टैंड वन आई वॉज मैं सोलह साल का था भाई हाँ सोलह साल का था भाई मैं ओके अच्छा आफ्टर ऑल को है ना मैं बहुत टाइम पहले से जानता हूँ दो से जानता हूँ राइट नाउ अगर देखा जाए तो एक दिन ये बंदा आपको दुबई मिलेगा अगले दिन कोलकाता फिर बेंगलुरु मुंबई इंडिया को नहीं जहाँ पे आपको ये मिलेगा नहीं और चार साल पहले मुझे पता है आई गेस बहुत लोगों को बोलते भाई प्लीज़ मुझे बताने तो पैसा भी नहीं लूँगा लोग आपको मौका नहीं देते थे ये सच है um, हाँ ब्रो आई थिंक ये तो होता ही है ना ब्रो अगर आपका नाम नहीं अगर लोगों ने आपको सुना नहीं है तो कैसे दे देंगे आज मुझे कोई बोलेगा तो मैं भी नहीं करूँगा किसी को क्योंकि पब्लिक के सामने परफॉर्म करना इज अ वेरी बिग टास्क ब्रो कोई भी नया नौजवान आएगा तो कोई भी उस पर भरोसा जल्दी नहीं करेगा इट टेक्स टाइम ब्रो और कैसा फील हो रहा है कि यार अब जयपुर से मुंबई गए मुंबई में रह करके पूरे इंडिया में मचाया इंडिया के बाहर के भी डीजे आपका ऑडियो यूज कर रहे हैं और अब वही लड़का वापस जयपुर अपने शहर में आ रहा है यहाँ बुला रहे हैं पब्लिक बहुत तैयार है आज चुरात के उस गिग के लिए सर कितनी एक्साइटमेंट है क्या सीन है ब्रो आपको एक चीज बताता हूँ मैं मैं वर्ल्ड में कहीं परफॉर्म कर लूँ बट जयपुर में ब्रो मैं उतना ही नर्वस होता हूँ उतना ही स्ट्रेस होता है मुझे जितना मुझे हमेशा होता था कि यार पब्लिक आएगी मेरे शो पे क्योंकि जयपुर वो जगह है भाई जिस जहाँ पर मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट की थी कि मैं लोग मुझे उस समय कुछ समझते नहीं थे भले बाहर मुझे कुछ भी समझने लगे हूँ थोड़ा भी बट फीलिंग है ब्रो कि यार जयपुर में वो नाम नहीं हुआ तो क्या हुआ तो आज भी ब्रो स्ट्रेस तो रहता है भाई कि जयपुर वाला शो सोल्ड आउट होना चाहिए भाई और कहीं होना हो जयपुर सोल्ड आउट मारे हैं और आफ्टर ऑल की कहानी क्या है ये नाम बनाया कैसे क्या सीन था

अरे कोई स्ट्रगल नहीं किया सब सब कैसा रहा सीन बढ़िया ब्रो ये पार्ट ऑफ लाइफ है भाई मजा आता है मेहनत करने में भी ठोकर खा के तो बहुत मजा आता है ब्रो क्योंकि आज उसकी वैल्यू पता पड़ती है और लिटरली बताऊँ ब्रो गॉड वेरी काइंड मैं भगवान का देवंध से वहाँ पे बॉम्बे पहुंचते पूजा पाठ शुरू कर दिया ब्रो सबको करने आई बिकेम स्परिचुअल और ब्रो भगवान ने दिया भाई और ऐसे दिया सरप्राइजेस के तौर पे दिया भाई और एक एक चीज फील हुई कि यार यही तो भगवान ने ही दिया है भाई आज मांगा कल कुछ ना कुछ हो गया भाई सच में अभी एक वीक में कितनी फ्लाइट लेते हो ब्रो इट्स वेरी भाई बहुत बहुत क्रेजी बात है क्योंकि पहले फ्लाइट में देखना एक सपना होता था कि भाई ऊपर से जा रहा प्लेन ब्रू लेकिन ऑन एन एवरेज पांच से पाँच फ्लाइट तो मिनिमम है ब्रो अगर क्योंकि वीक में तीन से चार शोज होते हैं और वो अलग अलग सिटीज़ में या आया एंड कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी बहुत होती हैं क्योंकि ब्रो आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ वहाँ से सब डायरेक्ट है बट अगर मैं किसी अगर मैं जयपुर रहता तो ब्रो नौ फ्लाइट कर रहा होता मैं है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नहीं है तो भाई पांच फ्लाइट मैं एवरेज लेके चलता हूँ हर वीक की और हाइस्ट कितनी देर तक नहीं सोए हो तीन दिन ब्रो बिल्कुल नहीं सोया हूँ अभी होली वीकेंड था तब तो आई थिंक मैं चार दिन नहीं सोया था ब्रो एंड उसके बाद तो फिर नींद भी आना बंद हो गई थी ब्रो बॉडी बहुत बेकार हो गई थी बट इज़ नॉट आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ क्योंकि बॉडी एकदम एक का, देखो ब्रो मैं ऑनेस्टली मेरा मुंबई मेरा परसपेक्टिव अभी ऐसा नहीं था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मैं मुंबई में नाम बनाऊंगा मैं चाहता हूँ बस मुझे लिसनर सुने मल्टीपल सिटीज के जहां मुझे जाना है तो मुझे लगता है ब्रो बो, मुंबई में भी कोई इतना नाम नहीं बनाया नहीं मुझे है यार मैं, मेरे बहुत मुंबई में लोग रहते हैं सबने कहा है बहुत बहुत प्यारा बंदा है बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने खुद ने बोला है और मचा रहा है लिटरली मचा रहा है भाई ये तो भाई दस आई एम वेरी ब्लेसड टू हैव सच पीपल हु टॉक्स गुड अबाउट माई सेल्फ इन बैक बट ब्रो मुझे लगता है ब्रो सनमन वॉज अ वन ब्रो जिससे लोगों को मेरी क्रेडिबिलिटी पता लगी कि भाई ये बंदा सनमन पहुँच गया क्योंकि जयपुर से आई थिंक देर ओनली टू थ्री टू टू थ्री आर्टिस्ट

साढ़े चार सौ से पांच सौ लोग होंगे जो पूरे मेन स्टेज पे भी नहीं थे मैं ये आज बोल रहा हूँ कैमरा पे मेन स्टेज से, से था, मेरे पे, और मैंने माइक पे बोला था कि भाई आज मैं दोपहर में परफॉर्म कर रहा हूँ अगले साल मैं मेन स्टेज पे परफॉर्म करूंगा और ये मैं बोल सकता हूँ बिकॉज आई विल वर्क हार्ड फॉर करना है वो भाई ने बहुत मेहनत करी है और मैं चाहूंगा आप मेन स्टेज पे जाओ और बड़े किसी एक अच्छे इंटरनेशनल डीजे के साथ में आप स्टेज शेयर करूँ आई रियली वॉन्ट कि भाई ये बंदा वहां पहुंचे ताकि मैं बोलूं को हां मैं जानता हूं उसको ब्रो <laughs> आप तो मेरे भाई हो भाई मतलब अपन तो वही लड़के हैं यार गलियों वाले <laughs> और ना और आई गेस उसके बाद आप मेन स्टेज पे भी गए थे कुछ मेरे क्लिप देखी थी ब्रो मेन स्टेज ब्रो आई थिंक एक मोमेंट है मेरी जिंदगी का हाँ, सबसे स्पेशल हाँ, वो मैं बताना भूल गया हाँ, तो आई वाज परफॉर्मिंग एंड ओपनिंग फॉर डिमिट्री वेगस लाइक माइक हां वही 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 एंड इन मुंबई उफ आई एम गेटिंग गूज बम्स ब्रो ब्रो

मतलब फाड़ डाला भाई मेरे मतलब मुझे बिलीव होता है क्योंकि आपको पता पड़ता है ना हमने कैसा परफॉर्म किया है बुरा लगता है जब अच्छा नहीं किया तो मैंने फाड़ डाला और ब्रो थैंक्स टू डीजे शान ब्रो आई अभी हमने बात की wow. ब्रो आई ऑनेस्टली uh, तीन दो दिन पहले मैंने उनसे बात की कि यार आई वॉन्ट टू रीमेक योर सॉन्ग एंड अगर आपको अच्छा लगा तो विल परफॉर्म इट टुगेदर एंड ही वॉज प्लेंग राइट बिफोर लाइक माई ब्रो देस सो देर आर टू स्टोरीज

ब्रो जब बारह पंद्रह हजार के साथ दिखते ना लोग कुछ नहीं समझ आता मतलब फिर ऐसा लग रहा है भाई क्या और मैंने बस आसमान में देख करके परफॉर्म किया आदमी इस टाइम पे ब्रो मतलब मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था ब्रो कि भाई अब मैं आया हूँ आई एम हेयर टू कि आज ये बारह हजार लोगों के सामने मैंने अगर फाट डाली हाँ। तो जिंदगी में लोग मुझे याद रखेंगे एंड आई बिलीव ब्रो देट शो मेड अड ऑफ सेंस

भाई मैंने खुद के ऊपर पानी डाल दिया भाई उधर मतलब आगे रैंप पे खड़ा होके मेरे आंसू आ गए थे ब्रो एंड में I और लास्ट की जो सेरेमनी थी सेरेमनी बेसिकली मेरे हर शो के बाद लैंड में एक, एक ट्रैक होता है जिसपे मैं अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ वो एक

प्रो वो लोग शो के बारे में बोलते हैं आई नीड योर यूज टाल एज अ सोवेनियर मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं भाई तू प्लीज मत कर तू कुछ और ले ले तो मेरी टी शर्ट ले जा भाई ब्रो उसने मेरे को बोला नहीं मेरे को यूज टाल चाहिए भाई मैंने बोला नहीं भाई फिर मैंने उसको मतलब जो मुझसे हो पाता था मैंने उसको अपनी साइड से गिफ्ट कर दिया और रिसेंटली ब्रो आई वाज इन दुबई सो so, एक फेस्टिवल होता इट्स कॉल्ड वाटर बॉम फेस्टिवल जो बेसिकली साउथ कोरियन होली है भाई तो आई वाज देयर विद माय फ्रेंड हम दो लोग थे और वहाँ पर इंडियंस के नाम पर कुछ नहीं था ब्रो साउथ कोरियन और अरेबिक्स थे उधर फुल मौज मस्ती चल रही है फुल पिचकारी चला रहा हूँ मैं बोलो ब्रो मैं खेल रहा हूँ दो तीन घंटे हो चुके हैं मुझे और मैं कर रहा हूँ लौंडा इंडियन देखा मुझे और वो देख के उसने अपनी अपनी गन छोड़ दी और मुझे देखने लग गया तो भाई मैं देखा ये मेरे को ऐसा क्यों देख रहा है yeah. ब्रो जमीन पे बैठ गया wow. वो घुटने में बैठ गया और वो पैर चुनने लग गया मैंने बोला भाई क्या कर रहा है भाई आर यू आई ओके ब्रो आई ओके मैंने उसको उठाया ब्रो तो उसने बोला दिस इज नॉट रियल मैं आई एक्सेंट मैन मैंने बोला इट्स ओके ब्रो व्हाट हैपेंड आर यू गुड आर यू ओके यू नीड समथिंग ब्रो आई नो यू आर माय बिग फैन ब्रो आई कांट बिलीव इट यू ब्रो मैंने बोला यू नो मी I know you, bro. I, I, I know you, bro. I was like, I know you. It's like so high, bro. था तुझ तो किस करके बैठा था, bro. It's a crazy moment. उसने बताओ क्या बोला? I know you, but I can't recognize your name. bro, <laughs> <आवाग laughs> अभी मेरे को पता नहीं मैं react कैसे करूँ इसपे? Best feeling ever. मैंने बोला यार मैं react कैसे करूँ भाई? मैंने बोला कि, bro, I'm glad I'm after all. क्या क्या कह रू तो बोला अब सीनियर रील्स मैन गुड तो सी वो उतना हक किया मुझे भाई वो फुल भीगा हुआ मस्त ने पानी में ब्रो लाइक ऑफ द मैं बताता मैं में था तो मुझे कॉल आया बैंगलुरु से मेरे दोस्त मतलब रहते न, तुमका फोन भाई दोस्त अच्छा मैं कौन आफ्टर वर, बोला भाई बैंगलुर में शो है उनको बोल मेरी एंट्री करा दे तो मैंने भाई को कॉल लगाया अभी आप इनको ये बोलते हैं बाबा मैं तो अंदर की तो मतलब मैं पहुंच रहा हूँ मैं सो रहा हूँ आप नाम लिखवा दो कुछ करके मैंने वापस कॉल किया बोला नाम लिखवा रहा हो जाएगा अरे नहीं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हो थर्ड फोर्थ फ्लोर पे कोई होगा वहां तक लाइन लगी हुई है कोई दूसरा रास्ता बता वहां पहुंचने के लिए तो इतना हाउसफुल ऐसा सीन मैंने कहा भाई क्या बात कर रहा है इनफैक्ट मैं अभी उदयपुर पे गया था तो मेरे दोस्त लोग रहते हैं आइएस उदयपुर भी प्ले किया था आपने तो बोले भाई बहुत सही बंदा है उसके उसको बोला तेरा दोस्त है तो वो दो तीन उसके पर्सनल कुछ है सॉन्स ट्रैक्स वो मुझे भेज देगा अच्छी क्वालिटी में मैंने कहा ठीक है मैं बोलता हूँ सुपर नहीं पता था ये सब होगा मेरे साथ क्योंकि नहीं, नहीं।, में मुझे नहीं पता था मैं, जब मैं फॉलो करने लगा जैसे ईडीएम कल्चर फॉलो करने तब मुझे हाइप है कि मैं आज शाहरुख खान के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना डीजे स्नेक के लिए जाऊंगा शायद मार्टिन गैरिक्स के लिए हो जाऊंगा बहुत डिफरेंट है क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव अलग है आप क्या देखते हो क्या फॉलो करते हो एंड ब्रो बेंगलोर क्या बात कर रहे हो वो शहर भाई एक स्टोरी में सोल्ड आउट हो जाता है। भाई अब मेरे भाई। को जाने की जगह नहीं मिलती है, ऊपर मैं से भाई? भाई मेरे मेरे को को बोला लोगों ने, गजब सीन यार। बहुत ऑट टाइम्स पे जाना होता है या तो बहुत जल्दी या बहुत लेट मतलब सीधा जा रहा हूँ सीधा चढ़ जाता हूँ किचन विचन से जा रहा हूँ क्या और यही तो बेस्ट चीज है यही तो चीज है चलो डीजे आजकल ये हो गया जितना मुझे समझ में आया इंडिया के अंदर मैक्सिमम डीजे जो है वो किसी और का सेट म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं yeah. uh, है, है और साथ में इनके बड़े फेमस हैं। मतलब बड़े क्रेजी बाकी खुद के के बात के जाए रिस कोई गाना आने वाला आपका तरसे ब्रू मेरी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल गाना है वो बताओ ना उसके बारे में क्या सीने और कौन कौन है साथ में आपके तो बेसिकली ब्रू नैना तरसे इज़ विथ चित्रलेखा सीन अ वेरी टैलेंटेड सिंगर एंड नैरा दर से इज़ ऑल अबाउट ब्रो मैंने वो गाना बनाया था केदारनाथ को दिमाग में रखते हुए लास्ट ईयर इंस्ट्रूमेंटल जब मैं उसको बना रहा था क्योंकि उसमें सितार है उसमें एम्बियंस साउंड है उसमें बारिश हो की आवाज़ें हैं ब्रो इट वॉज ऑल स्परिचुअल ब्रो मैं भक्ति में होता है ना जो गाना सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में वो गाना बनाया इंस्ट्रूमेंटल और वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल गाना है क्योंकि उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जो मैंने आज तक तो कभी यूज़ नहीं किए ऐसे एलिमेंट्स और वो आधे घंटे के बाद में मैंने आज तक तो उस पर कोई सेटिंग नहीं दी है तो मैं चाहता हूँ इस गाने में, में ओवर डू नहीं करूंगा एंड देन चित्रेगा केम इन द पिक्चर वी रो द सॉन्ग टुगेदर ब्रो गाने का नाम बना नैना तर से एंड ब्रो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे ब्यूटिफुल सॉन्ग है और आई थिंक ये वो सॉन्ग है जो मैंने भी नहीं सुना आज तक wow. किसी और का um, मुझे नहीं पता ब्रो ये कहाँ से आया

दस मिनट मिलता है एयरपोर्ट पे मैं चालू हो जाता हूँ ब्रो एंड uh, इतना वक्त नहीं लगता क्योंकि ब्रो जब कुछ नहीं था तब हम ही थे हमारे एडिटर हम ही हमारे फोटोग्राफर थे हम ही हमारे इंजीनियर थे और आज भी वही है भाई डूज एंड डोंट्स फॉर डीजे लाइफ में डी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो जो कर रहे हो करो पहली चीज तो बट मैं सही बताता हूँ uh, सही गलत ब्रो जाननी है मुझे बिकॉज तुमने इतने अच्छे लेवल परफॉर्म किया अभी लोग डीजे इस करियर इस में परस्यू कर रहे हैं yeah. तो वो क्या नहीं करें जो मिस्टेक आपको लगती है कि आपने भी करी स्टार्टिंग में वो नहीं करें और क्या करना चाहिए ओके बी पैशनेट डोंट बी डेस्परेट बी हार्ड वर्किंग डोंट बी अ फूल हार्ड वर्किंग विद स्मार्ट वर्क एंड डू योर होम बिफोर यू स्टार्ट एनी पहले उसके बारे में जानो एक एक जो एक, तो होती है ना अपन एक रोप पकड़ते हैं वो एक रोप एक जगह लेकर जाती है आप चार रोप पकड़ोगे चार अलग जगह नहीं पहुंच पाओगे आप आपको एक ही रोप पकड़नी पड़ेगी अगर आपको इस साइड साड ऑफ म्यूजिक में म्यूज़िकस्यू करना है तो आप इसी में जाओ और वो पहले दिन से आपका गोल फिक्स होना चाहिए दस चीज़ें मत करो एंड ब्रो uh, खुद का म्यूजिक बनाओ वो बहुत डिफरेंस पैदा करता है आपके अंदर लिसनर्स आपको अलग परस्पेक्टिव से देखते हैं क्योंकि अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो ब्रो मैं ओरिजिनल म्यूजिक बना के फिर डी जिंग बन के और कर रहे हैं और फिर मेरे एडिट्स वायरल होने लगे तो भाई जब भगवान ने मुझे बताया कि भाई तेरे एडिट्स वायरल हो रहे हैं तो कीप ऑन डूइंग दैट बट डोंट लीव मेकिंग योर ओरिजिनल म्यूजिक मैं साल में ज़्यादा तो नहीं निकाल पाता हूँ मगर मेरे तीन से चार ओरिजिनल्स आते हैं ब्रो मेरे एडिट्स पर बहुत अच्छे स्ट्रीम्स आते हैं ओरिजिनल्स पर शायद नहीं आते होंगे इतने मैक्सिमम मेरे ओरिजिनल पे आए थे जो दॉज वन ऑफ द सॉन्ग फॉर यू उस पर पाँच मिलियन है एंड मेरे कुछ रील्स हैं ब्रो अगर मैं रील्स को कम्बाइन करूँ तो पचास मिलियन के ऊपर चला जाएगा प्रो ऑल कंबाइन ऑल स्ट्रीम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉट्स भाई बहुत क्रेजी चीज़ है ये बट ब्रो दैट इज टेम्परेरी सो डोंट गो आफ्टर द ट्रेंड ब्रो ट्रस्ट मी ट्रेंड करो उसको रियल mm -hmm. चीज मत समझो भाई अ वेरी बिग थिंग आई वॉज वॉचिंग सम रील्स बट आई हैव द सेम परस्पेक्टिव प्रो फोकस ऑन योर आर लाइक नैनाथर से इज माई फीलिंग्स आज नहीं चला कल चलेगा परसों चलेगा, चलेगा चलेगा मेरा गाना है वो मेहनत तो यार उसके ऊपर तो। ब्रो और सब 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 इमोशन है, है। मेहनत तो कुछ फील नहीं होती है सच बता रहा हूँ लिटरली बता रहा हूँ मेहनत तो क्योंकि गाना कभी फोर्सफुली नहीं बन सकता है भाई गाना कभी भी फोर्सफुली नहीं बन सकता है आप बस जितना बोले हाँ ब्रो जब मजा आ रहा है करना की अब बनाते हैं इस गाने पे काम करते हैं तभी करो अगर बोलगा यार चलो सुबह हो गई काम में बैठना है ब्रो आप बैठ जाओगे ब्रो बट वो चीज नहीं निकलेगी ब्रो और ये होता है मेरे साथ ब्रो मेरे आधे गाने फ्लाइट्स में बने okay. आधे नहीं आधे से ज्यादा घर पे सिर्फ और सिर्फ फाइनल टचेस होते हैं hmm. फ्लाइट्स एंड होटल रूम्स आधी नींद मतलब एकदम ही नींद में आधा मरा हुआ हूँ बट आइडिया आ गया ब्रो आउट ऑफ नो वेयर एंड सॉन्ग ब्रो ग्रेट गेट अच्छा लास्ट क्वेश्चन ब्लेंडर बताओ फटाफट से तारीफ हो गई इतना कुछ हो गया बिगेस्ट ब्लैंडर कहाँ किया था लाइफ में करते कुछ कुछ तो ब्लेंडर, ब्लेंडर तो तो बताओ यार अभी 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 ना ना बताता हूं ब्लेंडर में वही मैं वाला शो था जो हाँ. तो क्या है <laughs> मैंने पहले पहले बड़े वाले जूते <laughs> हाँ. के हाँ. और ब्रो, फुल हो रखा हूं, मस्ती कर रहा हूं। ब्रो, शो से जादू की ट्यून गा रहा हूँ भाई लोग बावले हो रहे क्या कर रहे हैं इंट्रो चला तो मैं भकके आता हूँ फुल हाइप में भक्के आया लोगों को नहीं दिखा ब्रो बट वो जिंदगी में जब भी मैं क्लिप देखूंगा ना मैं बहुत हंसूंगा ब्रो <laughs> ब्रो मैं फिसला <laughs> सर इसरलिक एक डीजे भी गिरा था ना वी जस्ट का कुछ था कुछ क्लिप थी नो नो एरिया ब्रो देखा है बट बोलूंगा नहीं बड़ा क्रेजी सीन था ब्रो मैं गिरा और मेरा वीडियोग्राफर वीडियो में हंस रहा है ब्रो और ब्रो क्या होता है मैं गिरा और मैं

बट लेकिन यार बंदे ने बहुत मेहनत करी है और आई एम सो हैप्पी यार जयपुर आ रहे हो और लास्ट टाइम अब जब जयपुर आते मैंने अटेंड किया था इनका शो बहुत क्रेजी था भर के लोग लेके गया था सब प्रो आई लव सो मच प्रो भाई और भाई ने मेरे नाम भी लिया था बीच बीच में नाम नहीं भाई मैं तुम्हें गले <laughs> <शो भे भाई। laughs> ठीक <laughs> है थैंक यू सो मच वंस अगेन एनी मैसेज लास्ट क्या बोलना चाहते जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं हैं सुन गाइस प्लीज लिसन टू नैना थर से बहुत दिल से बनाया गाना मुझे लगता है आपने ऐसा गाना कभी नहीं सुना होगा आज आप जाके गाना सुन सकते हैं सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एंड म्यूजिक वीडियो आई थिंक जब तक इंटरव्यू आएगा म्यूजिक वीडियो भी आ चुका होगा नहीं तो आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा वोट काइंड ऑफ थिंग्स आई डू

बट कर रहे हैं हम लोग बहुत कर रहे हैं ना एंड इंडिया में ब्रो इंडिया में तो ऑलमोस्ट सब्सिडी कर लिया सब हो गया, ना। सब हो गया है ब्रो मतलब

ब्रो बस करेंगे ब्रो वक्त बहुत है जल्दी किसी चीज़ की नहीं है मुझे आया, आया, है ना तो सब अपने सब अपने आप होगा ब्रो मैं तो ऑनेस्टली जो भी चीज़ हो रही है कोई कुछ प्लान नहीं है ब्रो और कुछ है, सब अच्छा बै... चीज़ ये बंदा बहुत मेहनती है लगा रहता ताँग ताँग है टाइम की टाइम है करते जाओ जब होगा जब सो जाऊंगा कर लूंगा ट्रैवल कर रहा है सेट्स प्ले कर रहा है एडिट बराबर कर रहा है फुल एक्टिव रह रहा है और क्या चाहिए एडिट 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 क्या कर रहा है ब्रो सब हो रहा है बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि दिन में चौबीस घंटे होते हैं और आपको उसमें रेस्ट भी करना है मज़े भी करना है मीम्स भी देखना है म्यूजिक भी बनाना है शो भी करना है सेट भी प्रिपेयर करना है लोगों से भी मिलना है और ये है पूरा दिन और ये होता है होलसम डे रोज ये सब होता है बहुत मजे आते हैं ब्रो ब्रो बट ऐसा नहीं है ब्रो कि रोज रोज मिलना है कि रोज़ रोज़ मिलना लोगों से मैं हफ्ते में तीन दिन लॉकअप हो रहता हूँ नहीं। 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 हाँ बहुत शांति ब्रो बहुत शांति बहुत जीवन में आग लगना चाहिए फुल आग ब्रो फुल मतलब ये आवाज आर्जर्जुन की थैंक यू सो मच आफ्टर ऑल टाइम निकालने के लिए मेरे भाई थैंक यू सो मच गाइस रेड एफएम बज रहो